हेलो किड्स, आई होप आप लोग सब ठीक हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। सो आज हम हमारे हिस्ट्री का फिफ्थ चैप्टर किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक ये चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर का मकसद है आपको ये बताना किंगडम्स क्या होते हैं। किंगडम्स होते हैं जो राज्य होते हैं, जैसे कि कंट्रीज जो होती हैं, ठीक है। उस तरह के राज्य जो थे, उस तरह की कंट्रीज जो थी वो कैसी थी, किंग्स राजा कैसे थे, और अर्ली रिपब्लिक हमारे जो ये पुराने ज़माने के जो राजा महाराजा थे इन्हें किस तरह से चुना जाता था, ठीक है, लोग उनको कैसे चुनते थे या वो खुद कैसे राजा बन जाते थे। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो किस तरह से हमारी कंट्री में शुरू हुआ, ये सब कुछ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट इज़ योर इलेक्शन डे। Shankaran woke up to see his grandparents all ready to go and vote. They wanted to be the first to reach the polling booth. Why? Shankaran wanted to know. Were they so excited? Somewhat impatiently, his grandfather explained, "We can choose our own rulers today." शंकरन जो है वो एक बच्चा एक दिन जब जागता है तो वो देखता है कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि उसके दादा दादी जो हैं वो बहुत सुबह सुबह तैयार होके कहीं जा रहे होते हैं। और वो कहाँ जा रहे होते हैं? वो जा रहे होते हैं वोट देने के लिए। और वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि वो चाहते हैं कि वो दोनों सबसे पहले वोट देने के लिए पहुँचे। तो शंकरन जो है वो परेशान हो जाता है, उसे समझ नहीं आता। तो वो उनसे पूछता है कि आप लोग इतने खुश क्यों हैं सिर्फ वोट देने के लिए। तो उसके ग्रैंडफादर जो हैं, जो उसके दादाजी हैं, वो उसे बड़े ही एक्साइटेड होके खुश होके ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आज हम अपने रूलर्स जो हैं, जो हमारे लिए रूल्स बनाते हैं, जो हम पे ये सारे रूल्स लागू करवाते हैं, हमें सही से जीना सिखाते हैं, इन रूलर्स को हम आज खुद चुन सकते हैं। हाउ सम मेन बिकेम रूलर्स। अब कुछ लोग जो हैं वो रूलर्स कैसे बने, वो लोग कैसे राजा बने, या वो उनको ऐसा हक कैसे मिला कि वो लोगों पर अपना शासन कर सके। चूजिंग लीडर्स और रूलर्स बाय वोटिंग इज समथिंग दैट हैज़ बिकम कॉमन ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर्स और सो। सिर्फ 50 साल पहले ही ऐसा कुछ हुआ है कि हम लोग अपने रूलर्स जो हैं, जो हमारे राजा या जो हम पर राज करेंगे, ऐसा सब कुछ हम अब 50 साल से ही ऐसा कुछ काम कर रहे हैं। हाउ डिड मैन बिकेम रूलर्स इन द पास्ट। लेकिन पहले जो था, कुछ हजार साल पहले हमारे इंडिया में या हमारे सब कॉन्टिनेंट में ये सब चीजें कैसे होती थी। सम ऑफ द राजाज वी रेड अबाउट इन चैप्टर 4 वर प्रोबेबली चूजन बाय द जना द पीपल। जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि लोग जो थे, जो आम जनता थी, वो ही अपने रूलर्स को चूज करती थी, चुनती थी कि उनका राजा कौन होगा। बट अराउंड 3000 ईयर्स अगो वी फाइंड सम चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द वेज इन विच राजाज वर चोजन। सम मेन नाउ बिकेम रिकॉग्नाइज्ड एज राजाज बाय परफॉर्मिंग वेरी बिग सैक्रिफाइसेस। तो क्या कहता है कि लेकिन 3000 साल पहले हमने ऐसा देखा कि कुछ चेंजेस आए थी, कुछ बदलाव आए थे, जिसकी वजह से जो राजा थे वो अलग तरीके से चुने जाते थे। कुछ उनमें से ऐसा एक तरीका था जहां पे राजा जो था बड़े सैक्रिफाइसेस देता था, बलि चढ़ाता था। द अश्वमेधा और हॉर्स सैक्रिफाइस वॉज वन सच रिचुअल। अश्वमेधा या जैसे हॉर्स सैक्रिफाइस, जहां पे घोड़े की बलि दी जाती थी, ऐसी ही एक रिचुअल थी, एक प्रथा जो थी वो उस टाइम चलती आ रही थी। अ हॉर्स वॉज लेट लूज टू वेंडर फ्रीली एंड इट वॉज गार्डेड बाय राजाज मेन। एक घोड़े को छोड़ दिया जाता था और उसे घूमने के लिए, मतलब उसे आजाद छोड़ दिया जाता था, और राजा के जो लोग थे वो उस घोड़े की रक्षा करते थे, उसे प्रोटेक्ट करते थे। इफ द हॉर्स वैंडर्ड इन टू द किंगडम्स ऑफ अदर राजाज एंड दे स्टॉप्ड इट दे हैड टू फाइट। अब अगर ये घोड़ा जो है किसी और के राज्य में चला जाएगा, किसी और की किंगडम में चला जाएगा, और वो उस घोड़े को रोकेंगे, तो उस किंगडम के राजा को उस घोड़े के राजा से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। If the horse wandered into the kingdoms of other rajas and they stopped it, they had to fight. If they allowed the horse to pass, it meant that they accepted that the raja who wanted to perform the sacrifice was stronger than them. अब वो क्या कहता है
कि अगर कोई राजा उस घोड़े को रोक लेता था तो उसका मतलब था कि जो घोड़े के मालिक, मतलब जो घोड़े का राजा है, उसे उस रोकने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ेगी। अगर दूसरा राजा उस घोड़े को अपने राज्य से जाने देता है तो इसका मतलब है वो ये एक्सेप्ट करता है कि घोड़े को भेजने वाला राजा जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, वो उसके सामने हार मान लेता है। These rajas were then invited to the sacrifice, which was performed by specially trained priests who were rewarded with gifts. अब जिस राजा ने उसे अपने राज्य से, उस घोड़े को अपने राज्य से जाने दिया, ऐसे राजाओं को वो लोग उस सैक्रिफाइस के रिचुअल में, उस बलि की जो प्रथा थी उसमें उसको इनवाइट किया जाता था। और ये रिचुअल कौन परफॉर्म करता था? ये रिचुअल परफॉर्म करते थे प्रीस्ट, पुजारी, जिनको स्पेशली इसी के लिए ट्रेन किया जाता था, जिनको स्पेशली यही चीजें करनी आती थी, उनको फिर गिफ्ट्स भी दिए जाते थे। द राजा हु ऑर्गेनाइज द सैक्रिफाइस वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग वेरी पावरफुल एंड ऑल दोज हु केम ब्रॉट गिफ्ट्स फॉर हिम। अब जिस राजा ने अश्वमेध यज्ञ करवाया होता था उस राजा को वो सबसे स्ट्रांग मानते थे, मतलब सबसे शक्तिशाली मानते थे कि उसको कोई हरा नहीं सकता है, और उस राजा के लिए वो बहुत सारे गिफ्ट्स भी लाते थे। द राजा वॉज अ सेंट्रल फिगर इन विच रिचुअल्स ही ऑफन हैड अ स्पेशल सीट, अ थ्रोन और अ टाइगर स्किन। इस रिचुअल में राजा को एक सेंटर एरिया दिया जाता था, मतलब उसका सबसे ज्यादा महत्व होता था, और उसे एक स्पेशल सीट दी जाती थी, एक गद्दी दी जाती थी जिसके ऊपर टाइगर जो होता है उसकी स्किन भी रखी जाती थी। हिज कैरेटियर हु वॉज हिज कंपेनियन इन द बैटल फील्ड एंड विटनेस्ड हिज एक्सप्लोइट्स चैंटेड टेल्स ऑफ हिज ग्लोरी। अब जो चैरिटियर, चैरिटियर क्या होता है? जो उसका रथ चलाने वाला होता है, जिसको हम सारथी बोलते हैं हिंदी में, जो उसका रथ चलाने वाला आदमी होता है, जो उसके साथ हर बैटल में, हर जंग में उसके साथ होता है, वो उसके किस्से कहानियां जो है फिर लोगों को सुनाता था। हिज रिलेटिव्स एस्पेशली हिज वाइव्स एंड सन्स हैड टू परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ माइनर रिचुअल्स। द अदर राजाज वर सिंपली स्पेक्टेटर्स हु हैड टू सिट एंड वॉच द परफॉर्मेंस ऑफ द सैक्रिफाइस। वो क्या कहता है कि जो उसके रिलेटिव्स होते हैं, राजा के जो रिलेटिव्स होते हैं, जैसे कि उसकी बीवियां या उसके जो बच्चे होते हैं, उन्हें सिर्फ थोड़े थोड़ा कुछ रिचुअल करना होता था, ज्यादा वो लोग कुछ नहीं कर सकते थे, सारा काम राजा को करना होता था, उसकी बीवियां और बच्चे जो थे वहां पे बैठ के उनका साथ देते थे। लेकिन जो दूसरे राजा थे वो वहां पर आके सिर्फ स्पेक्टेटर्स थे, जिनको सिर्फ देखने के लिए बुलाया गया था। प्रीस्ट परफॉर्म द रिचुअल्स इंक्लूडिंग द स्प्रिंकलिंग ऑफ सेक्रेड वाटर ऑन द किंग। द ऑर्डिनरी पीपल, द विश्य और वैश्य ऑल्सो ब्रॉट गिफ्ट्स। हाउएवर सम पीपल सच एज दोज हु वर रिगार्डेड एज शूद्रास बाय द प्रीस्ट्स वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम मेनी रिचुअल्स। अब प्रीस्ट का काम क्या होता था? उन्हें बहुत सारे जो हाइम्स थे, जो वो चैंट करने होते थे, मतलब उन्हें बहुत सारी पूजा पाठ के जो बातें थी वो करनी होती थी। उसके अलावा वो लोग राजा के ऊपर सेक्रेड वाटर, जो पवित्र पानी होता है, वो फेंकना होता था। और जो बाकी जो स्पेक्टेटर्स थे, जो देखने वाले थे, उनमें कौन होते थे? वैश्याज होते थे, मतलब जैसे हर्डर्स, फार्मर्स, लेबरर्स, ये सब काम जो करने वाले होते थे वो सब लोग वहां पर आते थे, वो भी गिफ्ट्स लाते थे। लेकिन जो शूद्रास थे, जो दूसरों के लिए काम करते थे, नौकर जो थे, उन्हें ऐसे रिचुअल्स में आने की इजाजत नहीं थी। वर्नास, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे हमें हमारा कास्ट सिस्टम कैसे बनकर आया ये समझना बहुत इजी हो जाता है। वी हैव मेनी बुक्स दैट वर कंपोज इन नॉर्थ इंडिया, स्पेशली इन द एरियाज ड्रेन बाय गंगा एंड यमुना ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब क्या कहता है, हमारे पास बहुत सारी किताबें, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि पुराने जमाने में बहुत किताबें थी जो गंगा और यमुना के किनारों पे लिखी गई थी। दीज बुक्स आर ऑफन कॉल्ड लेटर वेदिक। अब इनको हम लेटर वेदिक कहते हैं बिकॉज दे वर कंपोज्ड आफ्टर ऋग्वेदा, अबाउट विच यू लर्न इन चैप्टर 4। अब वो किताबें जो ऋग्वेदा के बाद लिखी गई थी उन्हें कहा जाता है लेटर वेदिक। और ये कौन कौन सी किताबें हैं? ये हैं सामवेद, यजुर्वेद और अथर्वेद, ठीक है। और उसके अलावा भी कुछ और किताबें हैं। दीज वर कंपोज बाय प्रीस्ट एंड डिस्क्राइब्ड हाउ रिचुअल्स वर टू बी परफॉर्म्ड। दे आल्सो कंटेन रूल्स अबाउट सोसाइटी। ये वो किताबें थी जिनमें ये लिखा गया था कि किस तरह से बहुत सारे पूजा पाठ के काम जो है वो करने होते थे। उसके अलावा इसमें सोसाइटी में क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं ये भी लिखा गया था।
There were several different groups in society at this time: priests and warriors, farmers, herders, traders, craftsperson, laborers, fishing folk, and forest people. Some priests and warriors were rich, as were some farmers and traders. Others, including many herders, craftsperson, laborers, fishing folk, and hunters and gatherers, were poor. इस समय बहुत सारे लोग हमारे पास रहते थे उस जमाने में, लेकिन प्रीस्ट और जो वॉरियर्स थे, पुजारी और जो लड़ाइयां लड़ने वाले जो योद्धा थे, वो अमीर हुआ करते थे, बाकी सब इतने गरीब ही रहते थे. कुछ फार्मर्स या कुछ ट्रेडर्स जो थे, ट्रेडर्स होते हैं जो व्यापार करते हैं, उनमें से कुछ लोग ही सिर्फ अमीर थे, जिनके पास बहुत सारा पैसा होता था. बाकी सब लोग जो थे वो इतने ज्यादा अमीर नहीं थे, वो गरीब थे. Priests divided people into four groups called Varnas. According to them, each Varna had a different set of functions. अब उस जमाने में priest जो थे, उन्होंने ही हमारे society को चार वर्णों में बांटा था, चार हिस्सों में बांटा था, और कहा था कि हर वर्ण का जो है, हर किस्म के लोगों का अपना अपना काम है. The first Varna was that of the Brahman. Brahmins were expected to study and teach the Vedas, perform sacrifices and receive gifts. उनका कहना था Brahmins जो थे वो सबसे ऊंचे थे, सबसे पहले थे, और उनका ये भी मानना था कि Brahmins का काम होता है पढ़ना और पढ़ाना, और उनके लिए ज्यादा important है gifts लेना. In the second place were the rulers, also known as Kshatriyas. They were expected to fight battles and protect people. दूसरे वो लोग थे Kshatriyas, यानी कि warriors. यानी कि जो लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे, जो लड़ाइयां लड़ेंगे, लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे, उनका काम करेंगे. थर्ड वर द विश्य और द वैश्यास. दे वर एक्सपेक्टेड टू बी फार्मर्स, हर्डर्स एंड ट्रेडर्स. बोथ ऑफ द क्षत्रियाज एंड वैश्यास कुड परफॉर्म सैक्रिफाइस. तीसरे वो लोग थे जो थे वैश्यास. वैश्यास कौन होते हैं? जैसे ट्रेडर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, ये सब लोग, क्राफ्ट पर्सन. इन लोगों का काम था कि ये लोग भी रिचुअल्स कर सकते थे. क्षत्रियाज भी रिचुअल्स कर सकते थे और ये वैश्यास भी जो है रिचुअल्स कर सकते थे. लेकिन एंड में आते थे लास्ट वर द शूद्रास. शूद्रास जो थे वो सबसे एंड में थे. हु वर टू सर्व अदर थ्री ग्रुप्स एंड कुड नॉट परफॉर्म एनी रिचुअल. ये वो लोग थे जिनको ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए काम करना था. इनको उनका नौकर बन के काम करना था और ये लोग कोई भी रिचुअल परफॉर्म नहीं कर सकते थे. ऑफन वुमेन वर ऑल्सो ग्रुप्ड विद द शूद्रास. बोथ वुमेन एंड शूद्रास वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास. अब जो औरतें थी उस जमाने में, वो चाहे किसी भी कम्युनिटी की हो, किसी भी वर्णा की हो, उन्हें पढ़ने का कोई हक नहीं था. ना ही शूद्रास को था, ना ही औरतों को था. The priest who said that these groups were decided on the basis of birth. Priest also said, priests ने ये भी कहा कि जो ये groups हैं, ये उनके जन्म के हिसाब से उनको मिला है. मतलब हर इंसान जिस वर्ण में जन्मा होगा, उसे उसी वर्ण में रहना होगा. For example, if one's father and mother were Brahmins, one would automatically become a Brahmin and so on. इसका मतलब है अगर कोई किसी के माता पिता दोनों ब्राह्मण हैं, तो जो उनकी औलाद होगी, चाहे वो बेटा है या बेटी है, वो भी ब्राह्मण ही होगा. लेटर दे क्लासिफाइड सम पीपल एज अनटचेबल. दीज इंक्लूड सम क्राफ्ट पर्सन, हंटर्स एंड गैदरर्स, एज वेल एज पीपल हु हेल्प्ड परफॉर्म ब्यूरियल्स एंड क्रिमेशंस. द प्रीस्ट सेड दैट कंटैक्ट विद दीज ग्रुप्स वॉज पल्यूटिंग. लेटर ऑन, कुछ समय के बाद, ऐसे प्रीस्ट भी आए जिन्होंने ऐसा कहा कि अनटचेबिलिटी है उन लोगों के साथ. मतलब ऐसे लोग जो कि क्रिमेशंस करते हैं, यानी कि जो लोग मरने वालों को जलाते हैं, या ब्यूरियल्स करते हैं, या जो दफनाते हैं. कुछ क्राफ्ट पर्सन, कुछ लोग जो क्राफ्ट का काम करते हैं, कुछ हंटर्स या कुछ गैदरर्स जो हैं, इन सब को टच नहीं किया जाएगा. क्यों नहीं किया जाएगा? अगर हम इन्हें टच करेंगे तो हम गंदे हो जाएंगे. इट वुड बी पल्यूटिंग. ग्रुप्स वॉज पल्यूटिंग. इनको टच करना पल्यूटिंग है. मतलब हम अपने आप को गंदा कर लेंगे अगर हम इनको हाथ लगाएंगे. तो ये किन का काम था? प्रीस्ट का, जो वेदास पढ़ते थे. उनमें से कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने कहा कि ये सब चीजें करनी चाहिए.
मेनी पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ वर्णास लेड डाउन बाय द ब्राह्मण्स. अब बहुत सारे ऐसे लोग जिनको अच्छी सोच थी, जिन्हें सब लगता था कि सब लोग बराबर हैं, उन्होंने ब्राह्मण्स का इन वर्णा सिस्टम जो है, मतलब लोगों को डिवाइड करने का जो सिस्टम है, उन चीजों को उन्होंने मानने से मना कर दिया. सम किंग्स थॉट दे वर सुपीरियर टू द प्रीस्ट. अब कुछ राजा ऐसे भी आए जिन्होंने सोचा कि हम तो प्रीस्ट से भी ज्यादा बड़े हैं, हम लोग उनसे भी ज्यादा बेहतर हैं. Others felt that the birth could not be a basis for deciding which Varna people belonged to. कुछ लोग ऐसे भी आए जिन्होंने कहा कि सिर्फ जन्म के हिसाब से हम लोग ये नहीं बता सकते कौन किस वर्णा में जिएगा. मतलब मान लो कोई ट्रेडर है, कोई व्यापारी है, उसके घर में कोई बेटा पैदा होता है जो आर्टिस्ट बनना चाहता है, जो म्यूजिशियन बनना चाहता है, तो उसको फिर अलग वर्णा में मतलब भेजा जाएगा. या फिर कोई क्षत्रिय है जो लड़ाइयां लड़ता है और वो चाहता है कि वो कोई लेबर का काम करे, या कोई क्राफ्ट पर्सन का काम करे, या फार्मिंग करे, तो उसका वर्ण अलग हो जाएगा. पर ऐसा जरूरी नहीं है. वो कहते थे कि ये जरूरी नहीं है कि अगर मैं क्षत्रिय हूं तो मुझे क्षत्रिय ही बनना होगा, मैं कोई भी वर्ण जो है चूज कर सकता हूं. बिसाइड सम पीपल फेल्ट दैट देयर शुड बी नो डिफरेंस अमंगस्ट पीपल बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन. जबकि कुछ लोग ऐसे भी आए जिन्होंने कहा कि सिर्फ काम करने के बेसिस पर हमें लोगों को बांटना नहीं चाहिए. अदर्स फेल्ट दैट एवरीबॉडी शुड बी एबल टू परफॉर्म रिचुअल्स एंड अदर्स कंडेम्ड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी. कुछ लोगों ने कहा कि हर एक को पूजा पाठ करने का हक है. कुछ लोगों ने कहा कि अनटचेबिलिटी जैसी कोई चीज होनी ही नहीं चाहिए. Also, there were many areas in the subcontinent which such as the northeast where social and economic differences were not very sharp and where the influence of the priests was limited. अब बहुत सारी हमारे सबकॉन्टिनेंट में ऐसी जगहें भी थी जहां पे प्रीस्ट जो होते हैं, जो पुजारी लोग होते हैं, उनका इतना दबदबा नहीं था, जिनका इतना इन्फ्लुएंस नहीं था, लोग जो थे उनकी बातों को नहीं जानते थे. और जहां पर इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंस यानी कि वर्णास का सिस्टम नहीं था, ऊंच नीच नहीं थी, अमीर गरीब का जो सिस्टम था वो उस टाइम पे वहां पे नहीं था, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में, जैसे असम, मेघालय जैसी जो स्टेट्स हमारी कंट्री में है, ऐसी जगहों पर ये सब चीजें नहीं थी. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि हमारे कल्चर में राजाओं को किस तरह से चुना जाता था, बिसाइड्स लड़ाई किए बिना, रिचुअल्स परफॉर्म करके, और वर्णास जो थे हमारी सोसाइटी में कैसे आए और कब आए. आप इस चीज को अच्छे से पढ़ें. अगर आपको कोई भी चीज कंफ्यूज करती है, समझ नहीं आती है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. आई विल मेक श्योर कि आपको ये चीजें जो है अच्छे से समझ आए, सो दैट आपको पता चले कि हमारी हिस्ट्री में, हमारी जो हमारी हिस्ट्री है, जो हमारा पुराना जमाना है, हमारे राजा हैं, ये सब कैसे आए, कहाँ से आए, और हमारी सोसाइटी कैसे बिल्ट अप हुई थी. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू लेट मी नो. आई विल मेक श्योर टू क्लियर हिम अप फॉर यू. टिल देन मेक श्योर यू स्टडी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय.